नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि एक बार फिर बजरंग पुनिया का दर्द छलका है। एक बार फिर बजरंग पुनिया ने आवाज उठा दी और साफ तौर पर केंद्र की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। आखिर क्या कुछ कहते हैं बजरंग पुनिया, आप खुद ही सुनिए। अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी, जितने भी खिलाड़ी है, मीडिया कर्मी है, देशवासी है, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। आपका डिमांड से एक बार बताओ ना, क्या है? हमारी डिमांड कोई भी नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली, बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या मांग रहे हैं? केस के बारे मैडम बताया तो है कि भाई हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दे दी है। 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है। 48 घंटे से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। हम बैठे हैं, पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए। उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इधर ही बैठेंगे जी। बजरंग भाई, बबीता फोगाट पिछली बार आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी, वो ओवरसाइट कमेटी का की मेंबर भी हैं, वो आप लोगों के परिवार से भी हैं। उनके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जो आप आरोप लगा रहे हैं। बबीता फोगाट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी और वो ओवरसाइट कमेटी में भी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते। वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है, क्या किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है। और हमने तो ये भी बोला, क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं अपने हिसाब से, सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में, और हम कमेटी से बात करते तो ब्लैक कमेटी कर रही है सब कुछ। क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना। तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो ओवर साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उसे जो अभी प्रेसिडेंट, उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का, अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग है, कोई भी स्पोर्ट्स है, तो उस जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे? वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं। कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया? एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, तो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी है, एक फोटो दिखा दीजिए। मेडल छोड़ो, मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी। मंत्री से क्यों नहीं मिले? मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है, मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है। वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि बजरंग पुनिया ने यहाँ पर जो है तमाम सवालों के साथ मेडल की चर्चा कर दी, केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट कर ली और ये बता दिया कि अगर आप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करवाते, उनसे इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो अगला कदम मेरा यही रहेगा कि तमाम मेडलों को वापस कर दिया जाएगा और यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है वो लगातार चलता रहेगा। अब केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बजरंग पुनिया के बयान को सुनने के बाद, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।